नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी MPESP के द्वारा आपकी जो मध्य प्रदेश TET यानी जो मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2024 इसके ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं, जिसकी लास्ट डेट आपकी 15/10/2024 है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको किस प्रकार से इसके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किस प्रकार से करना है, स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस आपको दिखाई जाएगी। साथ ही इस फॉर्म को आप अपने घर बैठे मोबाइल से भी आसानी से फिल कर सकते हैं बिना किसी मिस्टेक के। साथ ही सेम प्रोसेस आपकी रहेगी लैपटॉप या कंप्यूटर से भी आप फिल कर सकते हैं। तो कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से कवर करने की कोशिश की जा रही है, तो आप सभी को वीडियो को पूरा जरूर देखना है। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखना है इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले तो हम इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप की डेट देखते हैं तो 1 अक्टूबर से आपकी प्रारंभ हो चुकी है, जिसकी लास्ट डेट आपकी 15/10/2024 है। अब यदि फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है तो आपको 1/10 से यानी आज से ही आपकी करेक्शन की विंडो आपकी एक्टिव है, जो कि 20/10 तक आप इसमें सुधार कर सकते हैं। अब रही बात आपकी परीक्षा की, तो परीक्षा आपकी 10 नवंबर से आपकी प्रारंभ हो जाएगी रविवार से। अब एग्जाम फीस की बात करें तो यहाँ पर अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए आपको 500 रुपये की फीस पेमेंट करना होगा, और जो मध्य प्रदेश के रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उन सभी के लिए आपको 250 रुपये का आपको यहाँ पर चार्ज फीस पेमेंट करनी होगी। साथ ही 60 रुपये का आपको पोर्टल चार्ज भी अलग से देना होगा। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, तो इसको आप सब पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, फॉर्म फिल करने से पहले आपको क्या क्या का आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए इसको आपको विशेष रूप से पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए, अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है, जो कि UID द्वारा आपका वेरीफाई होना चाहिए, और परीक्षा आयोजित समय मूल पहचान पत्र आपको मतदाता पहचान, ये सभी आप देख सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या है, परीक्षा में प्रवेश के लिए अब आपको सब कुछ आपको पढ़ लेना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कुछ जानकारी और है, इनको आपको पहले पढ़ लेना है नोटिफिकेशन को, उसके बाद ही आपको यहाँ पर फॉर्म फिलअप करना है। तो यहाँ पर पूरी नोटिफिकेशन को आपको अच्छी तरह से एक जानकारी पढ़ लेनी है, उसके बाद ही आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो यहाँ पर कुछ और जानकारी यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी प्रोसेस को, अब यहाँ पर नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके। तो यहाँ पर आपकी परीक्षा की टाइम ड्यूरेशन दी गई है, यहाँ पर आपकी टेस्ट की जानकारी दी गई है, यहाँ पर आपको पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट है आपका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप से संबंधित कुछ और जानकारी यहाँ पर देख लीजिए। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है लेकिन आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी, ताकि आपकी कोई भी फॉर्म में मिस्टेक ना हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑनलाइन आवेदन में, ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ आपके अभ्यर्थी का कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, और जो कि आपके 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, और हस्ताक्षर स्वयं की हस्तलिपि में आपका ये होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन पत्र में जन्मतिथि, आपके जो प्रमाण पत्र आपकी 10वीं या 12वीं की अंक सूची, उसी के अनुसार आपके यहाँ पर आपको यहाँ पर लगाना है। अब यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन फोटो सिग्नेचर के संबंध में कोई जानकारी दी गई है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑनलाइन आवेदन के साथ अभ्यर्थी का फोटोग्राफ एवं स्वयं की हस्तलिपि में प्रारूप आपके पास होना चाहिए, और जिसमें फोटो के ऊपरी भाग में हस्ताक्षर नीचे के भाग में होंगे, फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता एवं पृष्ठ भाग आपका बैकग्राउंड व्हाइट बैकग्राउंड की आपकी फोटो होनी चाहिए, और पोलराइड फोटोग्राफ यानी आपका तिरछा टेढ़ा मेढ़ा फोटो आपका वैलिड नहीं रहेगा, और अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने से खींचा हुआ होना चाहिए, जिसमें अभ्यर्थी के दोनों कान भी स्पष्ट रूप से दिखने चाहिए। साथ ही उपरोक्त मापदंड के आधार पर फोटोग्राफ संलग्न नहीं किए जाने पर आवेदन आपका कैंसिल कर दिया जाएगा, जो कि आप अभी देख रहे हैं, आपका रेलवे में देख सकते हैं, SSC में देख सकते हैं, और अभी आपका BPSC चल रहा है, तो सभी में सबसे ज़्यादा फोटो की समस्या आ रही, तो आपको यहाँ पर सावधानीपूर्वक करना है। और फोटोग्राफ आवेदन करने से 3 माह से अधिक आपका पुराना नहीं होना चाहिए, और फोटोग्राफ पर खिंचवाने की दिनांक यानी आपकी जो फोटो है, जो आपकी फोटो है यहाँ पर आपकी फोटो होगी इतने इस पार्ट में, यहाँ पर आपका नाम होगा, और यहाँ पर जिस डेट को आपने फोटो खिंचवाई है उस डेट आपको यहाँ पर होना चाहिए। और एक बात और, विशेष रूप से अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में जैसा फोटो दाढ़ी या क्लीन शेव में आपने लगाया है एग्जाम में आपको, वैसे यदि आप दाढ़ी लगा के साथ आप फोटो खिंचवाते हैं तो आपको दाढ़ी के साथ ही आपको एग्जाम में देना होगा, और सेव करके जाते हैं तो सेव इसी प्रकार से आपको जाना होगा ये आपको। और यहाँ पर एक जानकारी और देख लीजिए, फोटोग्राफ खिंचवाना चाहे और काले चश्मे वगैरह आपको, ये फोटो चश्मा वगैरह लगाकर फोटो के वगैरह ये सब कुछ आपको नहीं लगाना, इस जानकारी को आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। अब चलिए, आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपने मोबाइल में लैपटॉप में गूगल को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको MPESP की वेबसाइट पर चलना है, MPESP इस प्रकार से, और सर्च पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से नया पेज ओपन होगा, तो अब आपको जो पहली लिंक दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे को आना है, तो यहाँ पर इंग्लिश पर आपको क्लिक करना है। अब इसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखिए, तो आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप हो जा रहा है प्राइमरी टीचर का, तो यहाँ पर आप देखिए अब रूल बुक का एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो इसको पहले नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके फोटो सिग्नेचर आल जानकारी आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। बार बार आपको जानकारी बोली जा रही है ताकि आपको फॉर्म में कोई गलती ना करें। अब अप्लाई करने के लिए आपको ऊपर की ओर देखिए, तो यहाँ पर एक ऑनलाइन फॉर्म का ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं, जैसे इस पर आप क्लिक कीजिए तो यहाँ पर आप MPESP की ऑफिशियल पोर्टल पर आ चुके हैं आपके। अब यहाँ पर आपको जो ग्रीन कलर में ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है।
अब जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो इसके बाद आपको इस प्रकार सी पेज ओपन होगा, तो यहाँ पर आई एग्री पर टिक करना है और आगे बढ़ाए बार आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो नया पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको MPESV का जो सामान्य प्रोफाइल पंजीयन है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको यहाँ पर फिल करना है। जो कैप्चा आपको दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर सॉल्व करके यहाँ पर आपको फिल करना है, सत्यापित कर आगे बढ़ाए पर क्लिक करना है। अब जो कैंडिडेट पहली बार फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उनके लिए क्या करना होगा, नई प्रोफाइल आपको बनानी है। अब नई प्रोफाइल कैसे बनानी है, आपको अपने मोबाइल से आप बना सकते हैं, तो उसका ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है प्रोफाइल बनाने की। और साथ ही जिसका फोटो सिग्नेचर सब कुछ पुराना हो चुका है तो वो अपडेट करना चाहते हैं तो उनको कैसे अपडेट करना है नई प्रोसेस के माध्यम से, जो कि पोर्टल अभी चेंज हो चुका है कुछ इसमें थोड़ा सा, तो उसका भी हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है प्रोफाइल चेंज करने का। तो पहले उन दोनों वीडियो को आप देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पर ये नंबर डालकर यहाँ से आगे की प्रोसेस आप यहाँ से देख लीजिए, क्योंकि फॉर्म में कोई आप गलती नहीं होनी चाहिए। तो इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर आएंगे तो आपकी जो प्रोफाइल है पूरी जानकारी आपको प्रोफाइल की आपको यहाँ पर दिख रही होगी, तो सब कुछ आपको एक ही जानकारी अच्छी तरह से पहले चेक कर लेना है, सब कुछ सही है तो आपको नीचे को चले आना है यहाँ पर आपको, तो आगे बढ़ाई पर आपको क्लिक करना है। यदि आप प्रोफाइल एडिट करना चाहती हैं तो एडिट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं। आप एडिट कैसे करना है, सब कुछ आपको डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है, प्रोफाइल कैसे अपलोड करना है, ये हैंड डिक्लेरेशन आपको कैसे अपलोड करना है, सब कुछ आपको वीडियो बना दिया है जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, तो उसको देखकर आपको पहले कर लेना है। अब आपको यहाँ पर आगे बढ़ाई पर आपको सब कुछ सही है तो आपको आगे बढ़ाई पर आपको क्लिक करते जाना है। जैसे अब आगे बढ़ाई पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर आपका नया पेज ओपन होगा, तो यहाँ पर आप 34 नंबर पॉइंट पर आप देखिए, तो यहाँ पर आपको क्लास चुनना है, तो आप भूतपूर्व सैनिक हैं, दिव्यांग हैं या इनमें से कुछ नहीं है, तो आपको बिना बार पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना। इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट आना है, मध्य प्रदेश के स्थायी निवासियों के लिए आयु सीमा में छूट संबंधी जानकारी। यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं और तो ये तो आपका नो हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे क्या आप शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारी अथवा नगर सैनिक हैं, यदि हैं तो आप यस कीजिए, नहीं तो आपको नो पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपका क्या आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हैं, यदि हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपका क्या आप विधवा परित्यक्तदा या तलाकशुदा हैं, तो जो हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आपको सिंपल सा नो पर क्लिक करते जाना है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका क्या आप अतिथि शिक्षक हैं, तो जैसे आप यदि हैं तो आप यस करेंगे, यदि नहीं तो आपको इस प्रकार से नो पर क्लिक करना है। इसके तक नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा आपका निर्धारित शैक्षिक योग्यता का चयन, प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा में भाग लेने वाली आवेदक जो निर्धारित शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने की परीक्षा के अंतिम वर्ष में प्रवेशरत है, वह भी परीक्षा पात्रता परीक्षा में बैठने हेतु मान्य होगा। ऐसी आवेदक को उस तिथि की अंक सूची या उपाधि धारित किया जाना अनिवार्य होगा जिस तिथि को उनकी परीक्षण हेतु निर्धारित शैक्षण योग्यता की प्रमाण पत्र मांगे जाएंगे। अब यहाँ पर आप नीचे की ओर आएंगे यहाँ पर, तो कृपया नीचे दी गई शैक्षण एवं शिक्षण प्रशिक्षण योग्यता में उत्तीर्ण या अंतिम वर्ष में अध्ययनरत विकल्प का चुनाव करें। तो यहाँ पर हम चुनते हैं जैसे आप उत्तीर्ण हैं या अंतिम वर्ष में, जैसे फॉर एग्जाम्पल के जैसे अंतिम वर्ष में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर उसकी जानकारी देनी हुई, यदि आप पास हैं तो आपको उत्तीर्ण पर आपको क्लिक करना है इस प्रकार से। इसके बाद आपको नेक्स्ट आना है, यहाँ पर कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समक्ष प्रारंभ परीक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा या उसके समक्ष कोई है तो आप इस पर टिक करेंगे इस प्रकार से। और कम से कम दूसरा है आपका, कम से कम 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समतुल्य राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी मान्यता मानक क्रियाविधि विनियम 2 अनुसार प्रारंभिक शिक्षा सत्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा है तो आप इस पर टिक करेंगे इस प्रकार से, तो ये आपको ऊपर से हट जाएगा जो भी आपके पास इनमें से कोई है। कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समक्ष प्रारंभ परीक्षा शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि यानी BLED है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, जो भी आपके पास इनमें से है आपको पढ़ते जाना है। नेक्स्ट है कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समक्ष शिक्षा साथ यानी विशिष्ट शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा यदि आपके पास है तो इस पर टिक कीजिए इस प्रकार से, इस पर टिक कीजिए। स्नातक उपाधि अथवा स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा इसके समक्ष कुछ है आपके पास तो ई पर टिक करेंगे। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर देखते जाना है। नेक्स्ट आपका संस्कृत पाठशाला के प्राथमिक शिक्षक संस्कृत के संबंध साहित्य व्याकरण आदि विषय के साथ मान्यता प्राप्त संस्था या बोर्ड से उच्च माध्यमा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता होगी, इसके अतिरिक्त व्यवसायिक योग्यता DLED एवं उत्तीर्ण होना आवश्यक है, यदि इनमें से कोई आपके पास है तो इस पर टिक करेंगे। नेक्स्ट आपका पात्रता परीक्षा के प्रश्न पत्र के भागों के विषय की चयन करना है आपको कि आवेदक को भाषा 1 एवं भाषा 2 के विकल्प में अलग अलग विषय चयनित करना होगा, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर आप देखेंगे भाषा 1 या भाषा 2 के विकल्प में अलग अलग विषय आपको यहाँ पर चयनित करना होगा, तो पात्रता परीक्षा हेतु भाषा 1 सभी आवेदकों के लिए ये अनिवार्य विषय है। तो यहाँ पर आप जो भी भाषा सब्जेक्ट को यहाँ पर सिलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर हिंदी उर्दू संस्कृत अंग्रेजी, तो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर हिंदी करती हैं। अब ये वीडियो पूरा आपके लिए डेमो के तौर पर आपको दिखा रहा है किस प्रकार से आपको फिल करना है, जो आपका एक्चुअल जानकारी है वही आप यहाँ पर फिल कीजिए। अब नेक्स्ट है आपका
पात्रता परीक्षा हेतु भाषा दो सभी आवेदकों के लिए ये भी अनिवार्य। तो आप जो भी भाषा में देना चाहते हैं, जो सब्जेक्ट हम यहाँ पर देना चाहते हैं, जो सब्जेक्ट आपको, तो उनको सेलेक्ट करने से फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर हिंदी कर लेते हैं। अब नेक्स्ट है आपका, क्या आपके द्वारा 12वीं की परीक्षा किस माध्यम से उत्तीर्ण की, आपने हिंदी अंग्रेजी अन्य, अपने 12th की परीक्षा किस माध्यम से, आप हिंदी से हैं, अंग्रेजी से हैं या किसी और अन्य भाषा से हैं, तो आपको उसको सेलेक्ट करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर हिंदी कर देते हैं। नेक्स्ट है आप, क्या आप अंग्रेजी माध्यम में अध्यापन करने या कराने में सक्षम हैं। यदि आप अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने में सक्षम हैं तो आप हाँ करेंगे, यदि नहीं तो आपको ना पर क्लिक करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। अब नेक्स्ट है पॉइंट 44, आवेदित पद या पदों हेतु नियम पुस्तिका जो अध्याय एक में उल्लेखित पद बारे विभाग बारे आपका विवरण है, जो आप नोटिफिकेशन में पढ़ेंगे। न्यूनतम शैक्षिक अर्हता व अन्य अर्हता को आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया है तथा तदनुसार आप शैक्षिक व अन्य अर्हता रखते हैं, तो आपको यहाँ पर हाँ करना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट जानकारी आधार पर, तो आपका प्रोफाइल में लग चुका है। अब यहाँ पर आपको एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करना है। आपको 4 एग्जाम सेंटर दिए जा रहे हैं, जो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट में लेना चाहते हैं, ये आपको पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी, इतनी आपकी एग्जाम सेंटर पर परीक्षा होगी। तो जो भी एग्जाम सेंटर लेना चाहते हैं, 4 कोई भी अपनी पसंद का यहाँ पर आप ले सकते हैं। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर 4 एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर लेते हैं। आपको 4 एग्जाम सेंटर आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेने हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर घोषणा पर टिक करना है इस प्रकार से, और यहाँ पर आपको आगे बढ़ाई पर आपको क्लिक करना है। सब कुछ आपको जानकारी अच्छी तरह से चेक कर लेना है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जैसे हम इस पर आगे बढ़ाई पर क्लिक करते हैं, तो आपने यदि दोनों भाषा एक ही भाषा सेलेक्ट कर ली तो उनके लिए आपको चेंज करना हो, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे भाषा बने भाषा टू का चयन पृथक पृथक आपसे करना होगा, तो इस पर आपको ओके पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको दोबारा से नीचे की ओर आना, तो यहाँ पर कुछ जानकारी आपको दी गई थी। जैसे यहाँ पर मैं अवगत करता हूँ कि अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में हस्ताक्षर अथवा अति लघु हस्ताक्षर या फिर एक से अधिक हस्ताक्षर आवेदन में पाए गए तो आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। सिंपल सा मतलब यह है, आपको प्रोफाइल को एडिट करके जो आपका सिग्नेचर होता है, सिग्नेचर को आपको पूरे कैपिटल लेटर में आप दस्तखत मत कीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका नाम है अजय, तो आप इस प्रकार से ए जे ए इस प्रकार से आप दस्तखत नहीं करेंगे, इस करेंगे तो आपका कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से आपको रनिंग भाषा में आपको इस प्रकार से आपको दस्तखत करना है। अब आप समझ चुके होंगे और यही आपको देख सकते हैं। अब चलिए आपको आगे बढ़ाई पर क्लिक करना है। तो जैसे आप आगे बढ़ाई पर क्लिक करते हैं, तो अब आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। एक आपको ऊपर की ओर एक एप्लीकेशन नंबर आपको दिख रहा होगा, उसको आपको पहले नोट कर लेना है या स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि अभी आगे आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे की ओर आना है, तो सबसे पहले तो आपको जो प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। यदि आप मोबाइल से फिल कर रहे हैं, तो किसी किसी मोबाइल में आपको यहाँ पर प्रिंट नहीं हो रहा है, तो वो आगे हम प्रोसेस दिखाएंगे कि आप कैसे प्रिंट निकाल सकते हैं। तो पहले तो आपको इस पर एक बार क्लिक करना होगा, तभी आप यहाँ से प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर पाएंगे। तो चलिए इस पर हम एक बार क्लिक कर देते हैं, उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट पर आपको क्लिक करके दिखा देते हैं। अब आपको फीस पेमेंट करने के लिए इस प्रकार से नया ऑप्शन ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पर आप ओनली SBI कार्ड होल्डर, डेबिट कार्ड, UPI के माध्यम से, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से भी फीस पेमेंट कर सकते हैं, या UPI जैसे फोन पे, पेटीएम, गूगल पे हुआ। तो फॉर एग्जांपल जैसे हम पेटीएम या फोन पे से पेमेंट करना चाहते हैं, तो इस पर आपको UPI वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद इस पर क्लिक करेंगे तो आप चाहें तो इस पर पेटीएम पर क्लिक कर सकते हैं, या पे गवर्नमेंट इंडिया, NDM फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन पर भी आप क्लिक कर सकते हैं, जो भी आप यहाँ से क्लिक करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम सेकंड वाली पर क्लिक करते हैं, या पहली वाली पेटीएम पर आपको क्लिक करके दिखा देती हैं। तो जैसे हमने दूसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक किया था, तो अब आपको इस प्रकार से नया पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन नेट बैंकिंग का है, यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का, यहाँ पर आप QR कोड से भी पेमेंट कर सकते हैं। एक नेक्स्ट है आपका UPI, तो जैसे हम UPI वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं नीचे वाली पर, तो जैसे आप UPI पर क्लिक करेंगे, तो अब आपकी जो फोन पे या पेटीएम है उस पर आप ओपन कीजिए अपने ऐप्स को। तो पर जो आपको UPI ID दिख रही है, इस UPI ID को यहाँ पर फिल कीजिए, और पे बाय एनी UPI ऐप, यदि आप अन्य से भी पेमेंट करना चाहते हैं तो उस पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप UPI ID फिल करके आगे की प्रोसेस को आपको एक मैसेज आएगा, तो वहाँ से अपनी फीस पेमेंट को कर सकते हैं, जो कि आपको सफलतापूर्वक हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर इसका प्रिंट निकाल के रख लेना है। अब बाय चांस यदि आप यहाँ से फीस पेमेंट नहीं कर पाते हैं, और यदि आप प्रिंट निकालना भूल जाते हैं, कोई समस्या आ जाती है, तो अब आपको प्रिंट कैसे निकालना होगा, चलिए वो देख लीजिए। चलो दोबारा से हम इसकी होम पेज पर आ जाते हैं बैक होकर। तो अब आपको अपना फीस का एप्लीकेशन स्टेटस और दोबारा से फॉर्म प्रिंट करने के लिए आपको इसी प्रकार से दोबारा से इसकी MPESP की जो MP ऑनलाइन वाली वेबसाइट पर इस पर आ जाना है। यहाँ पर आपको सबसे नीचे की ओर चले जाना है। यहाँ पर आपको देखेंगे भुगतान ना किए गए आवेदन का भुगतान एवं आवेदन की स्थिति जाँच करें, तो इस पर आपको क्लिक करना है। यदि आपने फीस पेमेंट नहीं किया है, जो आपने एप्लीकेशन नंबर आई होप नोट कर लिया होगा, तो यहाँ पर आपने जो एप्लीकेशन नंबर नोट किया वही एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर एंटर कीजिए। यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, यहाँ पर आपको प्रूफ ऑफ पासवर्ड एंटर करना है। अब प्रूफ ऑफ पासवर्ड यदि आपके पास नहीं, तो वो यहाँ के प्रोसेस दिखाएंगे कैसे आपको फॉरगेट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना जो कैप्चा दिख रहा है, इस कैप्चा को यहाँ पर एंटर करना, आगे बढ़ा फिर क्लिक करना है। तो आप दोबारा से होम के उसी होम पेज पर पहुँच जाएंगे जहाँ से आपको फीस पेमेंट करनी है। अब चलिए हम इसकी होम पेज पर आ जाते हैं दोबारा से। अब यहाँ पर आप दोबारा से नीचे को चले आइए, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखेगा, प्रोफाइल संख्या से आवेदन संख्या खोजें। यदि आप अपना प्रोफाइल आप एप्लीकेशन नंबर यदि बाई चांस नहीं लिख पाती हैं, तो अब आपको क्या करना है, इस पर आपको क्लिक करना है एप्लीकेशन नंबर फॉरगेट करने के लिए। तो इस प्रकार से नया पेज ओपन होगा।
तो यहाँ पर आपको जो आपकी प्रोफाइल पंजीयन है, प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक यहाँ पर एंटर कीजिए, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पर जो पासवर्ड आपका वो पासवर्ड और यहाँ पर कैप्चा सॉल्व करके आगे प्रोसेस जाएंगे तो आपका एप्लीकेशन नंबर फॉरवर्ड हो जाएगा। अब आपको यदि प्रोफाइल पासवर्ड फॉरवर्ड करना है तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एक उम्मीदवार प्रोफाइल आपका ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा फॉरवर्ड प्रोफाइल पासवर्ड, तो इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको जो पंजीयन क्रमांक है आपका वही प्रोफाइल का पंजीयन क्रमांक यहाँ पर एंटर करना है और जो आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर जो आपने प्रोफाइल में रजिस्टर किया था, और ध्यान दीजिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी विशेष रूप से अच्छी तरह सही सही फिल कीजिए, क्योंकि आगे की प्रोसेस जब होगी तो आपको मैसेज के द्वारा ही सूचित कर दिया जाता है और ईमेल के द्वारा ही सूचित किया जाता है, तो आपको यहाँ पर सही सही फिल करना। तो यहाँ पर आपको जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को सॉल्व करके यहाँ पर फिल करना और सबमिट पर क्लिक करना है तो आपके मैसेज पर मोबाइल के एक पासवर्ड आ जाएगा, तो वहाँ से आप अपनी प्रोसेस को कंप्लीट कर सकती हैं। अब रही बात यदि आप मोबाइल से फिल कर रहे हैं तो आपके प्रिंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो अब आपको क्या करना है, आपके फॉर्म को ओपन कर लेना है। फॉर एग्जांपल के लिए अब जैसे आप फॉर्म को ओपन करेंगे तो आपको मोबाइल में एक थ्री डॉट दिख रहा है आपको, इस पर आप क्लिक कीजिए। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आपको यहाँ पर देखेंगे सभी मोबाइल में दिखता है, शेयर का ऑप्शन आपको दिख रहा है तो इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो एक आपको यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो इस प्रिंट के ऑप्शन पर इस प्रकार से क्लिक कीजिए। तो इसको अपने A4 साइज़ में, इस पर हमने आपको डेमो के तौर पर दिखाया, आपको जो फॉर्म है उसको आप ओपन करके देखेंगे इसी प्रकार से, तो आपको इस पर को A4 साइज़ में आपको सेव कर लेना है। इसके बाद आपको किसी भी साइबर कैफे पर या MP ऑनलाइन कैफे पर जाकर आपको उनको एप्लीकेशन नंबर जाकर ले जाकर और जो पासवर्ड बताकर आपको दोबारा से अच्छी तरह से आपको प्रिंट निकाल के रख लेना है, क्योंकि आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी, जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही आपको इसके अलावा कोई और भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म फिलअप में, तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद।